जय दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी 11:30 बजने जा रहा है और मैं अभी तैयार हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए। ये जो दिख रहा है कार के आगे, ये मेरा ऑफिस हुआ। और इधर देखिए इतने सारे गाड़ियाँ लगी हुई है। आज मौसम की बात कर रहे हैं तो आसमान में बादल कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गर्मी है, तेज धूप खिला हुआ है, हवा भी चल रहा है। और देखिए अगर शाम तक बारिश होता है तो ठीक है, पता नहीं चलता आजकल आषाढ़ के महीना में, बरसात के महीना में कब बारिश आए, कब धूप खिले, कब हवा चले। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना ऑफिस, काम है बहुत सारा, जाके ऑफिस में काम करते हैं। और मैं अभी आया हूँ मेजर साहब के ऑफिस में, कुछ काम है। ये है ऑफिस, और इधर देखो कितना ही बढ़िया बागवानी किया हुआ है, पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, और ऑफिस का खूबसूरती भी इसके चलते बढ़ गया है। वो जो दिख रहा है वहाँ पे सागर बाबू हैं, यही इसका देखभाल करता है पूरा बागवानी का। ये है सागर, सारा श्रेय सागर को जाता है भाई। ऑफिस के आगे जितना भी हरियाली दिख रहा है वही बहुत मेहनत करता है, और गुड़ाई करना, निकोनी करना सब ये करता है। और इधर आप देख सकते हैं पुराना क्वार्टर था, सबको तोड़ के यहाँ पर नया फ्लैट बनाया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर मशीन लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर जेसीबी है, लेबर है, गिट्टी गिरा हुआ है, यहाँ पे छड़ गिरा हुआ है, इधर एक छोटा सा घर बना हुआ है। दोस्तों अभी 11:04, अभी काफ़ी जोरों का हवा चल रहा है। इधर दूर में देखिए काले काले बादल आ गए हैं, अभी बारिश होने की संभावना लग रही है। दोपहर में तो काफ़ी गर्मी लग रही थी और काफ़ी धूप भी था, अभी हवा चल रहा है तो मौसम पूरा ठंडा हो गया है। दूर में कहीं बारिश हो रहा है, हो सकता है इधर भी बारिश अभी आने वाला है। और अभी बारिश पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि चारों तरफ झमाझम बारिश पड़ रही है। इधर दिन में काफ़ी गर्मी था और बारिश पड़ना भी ज़रूरी है, अभी आषाढ़ महीना लास्ट होने जा रहा है। अभी बारिश नहीं पड़ेगा तो किसान लोग का खेती करने में भी दिक्कत हो जाएगा, धान का फसल होगा ही नहीं, तो इसलिए बारिश भी ज़रूरी है। हालांकि झारखंड में बारिश ज़्यादा नहीं हो रहा है अभी, जैसे चलते किसानों को खेती करने में बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो बारिश तो झमाझम हो गया और मौसम बहुत ही सुहाना अभी हो गया है, ठंडा ठंडा। अभी जा रहे हैं चाय बनेगा शक्ति बाबू का रूम में, और ये वहाँ से देखे दूध लेके आ रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं इधर। शाम के समय चाय नहीं पीने से फिर अच्छा नहीं लगता है, सुबह और शाम दो टाइम चाय पीना जरूरी है। तो चाय भी बनेगा शक्ति बाबू के यहाँ ही, इसलिए दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए पहुँच गए हम लोग, और आधा लीटर दूध लेके आया है दुर्गा, फिर चाय बनेगा, फिर हम लोग पियेंगे चाय। शाम का नाश्ता है मूढ़ी, आलू चोप और समोसा, सभी को मिक्स करके बनाए हैं, और ये नाश्ता चलेगा और उसके बाद चाय। और ये है आज का चाय। अब मौसम देखिए एकदम सुहाना, बारिश कर रहा है अभी झमाझम, और इधर चाय चल रहा है बच्चा। तो दोस्तों चाय अभी पीना हो गया है हमारा, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दुर्गा तो ही रह गया, मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस, कुछ काम है, इसे जाकर ऑफिस खोलूँगा। और यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया, हर बच्चे लोग मस्त मजे से खेल रहे हैं। क्या मिला? अरे वाह, पूरा
राशन पानी का सामान, ब्रेड चाहिए, ब्रेड कहाँ, इतना बड़ा ब्रेड हम क्या करेंगे, नहीं ले जाइए, फिर कभी देखा जाएगा। इधर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आज ग्राउंड गीला हो गया है बारिश के कारण, पूरा ग्राउंड गीला हो गया इसलिए अभी इधर ही लोग खेल रहे हैं। बारिश अभी भी हो रहा है हल्का फुल्का झमझम, और पीछे ग्राउंड पूरा गीला हो गया है, ये बच्चे रोज यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, अभी जो ट्रैक है इसी में ये लोग अपना हल्का फुल्का क्रिकेट खेल रहे हैं।